पहली दफा भारत सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों को तरजीह देते हुए अपने भारत स्वच्छ मिशन का हिस्सा बनाया है। शाहपुर के सबसे दुर्गम क्षेत्र धारकड़ी की कनोल पंचायत में पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसका उदाहरण स्थापित किया है। ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री ने इस क्षेत्र में पहुंचकर न केवल खुद कूड़ा करकट उठाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की बल्कि लोगों को भी स्वच्छता का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने स्कूली बच्चों की ओर से निकाली गई स्वच्छता रैली को भी स्कूल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपने स्कूल से लेकर करीब 1 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके मंच स्थल पर पहुंचे और लोगों को अपने आसपास पड़ोस को साफ सुथरा रखने का संदेश भी दिया। वहीं इस अभियान का हिस्सा बने कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने भी लोगों से अपने आसपास पड़ोस और अपने वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। वहीं इस खास मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वो यहां सिर्फ 10-15 मिनट की सफाई के लिए ही नहीं पहुंचे हैं बल्कि वो सामाजिक सोच को बदलने के लिए यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गांवों में ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत गांवों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार का हर मंत्री सांसद आज किसी न किसी गांव में पहुंचे हैं और देश के गांवों को स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। ये 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक 60 कार्यक्रम ऐसे रखे गए हैं जहां से बदलाव किया जाएगा। देश के 160 जिलों में से 115 जिले ऐसे चुने गए हैं जिन्हें पिछड़ा जिला की श्रेणी में रखकर उनका विशेष तौर पर विकास किया जाएगा। वहीं देश भर में 21,000 गांवों में आज 93 हिमाचल के गांव भी हैं जहां स्वच्छ दिवस मनाया जा रहा है और इन्हीं गांवों में से कनोल भी एक है। नड्डा ने कहा कि इस गांव में अगले एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत टीकाकरण समेत कई कार्यक्रम होंगे ताकि कनोल का कायाकल्प हो सके। नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सरकार बेहद संजीदगी के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य के आयामों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। हमें वाहनों में आवाजाही के दौरान किसी प्रकार का रैपर प्लास्टिक की चीजों को सड़कों पर यूं ही नहीं फेंकना चाहिए अन्यथा हर जगह कूड़े के ढेर लग जाएंगे जिससे बीमारियां नहीं बल्कि महामारी फैल सकती है। वहीं इस मौके पर कहा कि कांगड़ा के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहला पारितोषिक कांगड़ा जिला को मिलने जा रहा है जिसके लिए कांगड़ा प्रशासन विधायक का पात्र है। नड्डा ने कहा कि एक पखवाड़ा अभियान के तहत 7 कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसके तहत केंद्र की हर योजना को आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान के तहत मुझे 14 तारीख को छत्तीसगढ़ बीजापुर के जांगला गाँव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो हेल्थ वेलनेस सेंटर का शुभारंभ हुआ उसमें शामिल होने का मौका मिला और साथ ही साथ वहां से सामाजिक न्याय दिवस के रूप में अंबेडकर जयंती को मनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम सामाजिक न्याय को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे और एक सामाजिक मूवमेंट की दृष्टि से उसको आगे रखेंगे। ग्राम स्वराज अभियान के तहत ये पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है जो 14 अप्रैल को शुरू हुआ अंबेडकर जयंती से और 5 मई को समाप्त होगा। इसमें कोशिश है कि एक दिन हम स्वच्छता दिवस जैसे आज स्वच्छता दिवस मना रहे हैं वैसे ही हम आयुष्मान भारत दिवस की दृष्टि से मोदी केयर में जो हमारे लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करेंगे। उसी तरीके से हम उज्ज्वला दिवस के तहत हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो गैस के कनेक्शन का पात्र है वो छूट ना जाए और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सारी योजनाओं को जो लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुंच सके यह इसमें किया जाएगा। देश में लगभग ऐसे 21,000 गांव भी चिन्हित किए गए हैं जिनको विशेष प्रयोजन की दृष्टि से विकास में शामिल करने के लिए इस पखवाड़े में विशेष जोर दिया जाएगा। आज मैं जो कनोल गांव में आया हूं यह भी हिमाचल का एक गांव है जिसको विशेष प्रयोजन के तहत लिया गया है।
आंचल में ऐसे 93 गांव लिए गए, उनमें से एक ये भी गांव है। यहां हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति उज्ज्वला योजना से न छूट जाए, उजाला योजना से न छूट जाए, जनधन योजना से न छूट जाए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से न छूट जाए और इंद्रधनुष के कार्यक्रम से यानी टीकाकरण से वो न छूट जाए। इस तरीके का हम ये ग्राम स्वराज अभियान मना रहे हैं, उसके तहत मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। दो दिन बाद मैं पंजेरा गांव में जाऊंगा और इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम बनेंगे। आज देश के हर मंत्री और हर सांसद किसी न किसी गांव में इस कार्यक्रम को मना रहा है और आपके साथ मुझे मनाने का ये सौभाग्य मिला है। कनोल बहुत ही यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम हुआ है और लोगों ने बहुत इसमें सहयोग दिया है। मैं विशेष करके बच्चों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने अपने आप को इसमें शामिल करके एक नई जागृति और चेतना स्वच्छता की तरफ लाने में अपना योगदान किया है। उनकी चेतना और जागृति से समाज बदलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और उन्होंने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ और सारी भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष करके सबके साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, हाल ही में केंद्र सरकार